हाँ जी, तो क्या हाल है भाई? आप सभी के होप्स, आप सभी लोग अच्छे होंगे यार। सबसे पहले तो सॉरी फील करता हूँ कि वीडियो बहुत डिले आ रहे हैं भाई। ठीक है, अभी भी भाई आपके को टाइम नहीं मिला था यार, बट स्टिल काफ़ी टाइम हो गया था तो सोचा कि एक वीडियो करूँ। ठीक है मेरे भाई, तो अभी इस वक्त हूँ मैं अपने जॉब लोकेशन के एरिया में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे घर है। ठीक है, ऐसा कुछ ये एरिया है मेरे भाई। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को ख़राब नहीं करते हैं। मौसम भी थोड़ा सा है बारिश वाला, तो मैं निकलूँगा अभी। तो उससे पहले काम करते हैं अपना स्टार्ट, जो आज की अपनी वीडियो है उसके ऊपर कर लेते हैं बात। तो भाई, सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है अभी जल्दी में, वो हम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी सर्विस जो UKVI ने है वो स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा कि 12 अगस्त से ही UKVI ने ये चीज़ स्टार्ट कर दी है। तो आज की वीडियोस में जस्ट मैं तीन चार पॉइंट कवर करने वाला हूँ जो आप सभी के लिए है। ठीक है, और एक भाई को सॉरी फील करता हूँ यार, उसने भाई ने बताया, पूछा था अपने को स्पाउस वीज़ा के ऊपर वीडियो के लिए, तो एक्चुअली ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं वो चीज़ नहीं कर पाया अभी तक। ठीक है, बट होप सो जितनी जल्दी पॉसिबल होगी मैं कर दूंगा मेरे भाई वो चीज़ भी। ठीक है, तो आज की जो दो तीन पॉइंट है वो ये है। पहली चीज़ की ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनके लिए, जिन्होंने भी सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए जो आने वाले हैं फ्यूचर में, उनके लिए कि UK ने फिर से सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी सर्विस जो वीज़ा का है उसका वो ओके कर दिया है, ओपन कर दिया है। ठीक है भाई, इसके अलावा जो मैं आज बात करूँगा वो है, जब आपका मान लो जो आपने अप्लाई किया हुआ है, किसी का कास्ट डिले हो रहा है, कास्ट लेटर और लाइक ऑफ़र लेटर, तो ऑफ़र लेटर जिसका डिले हो रहा है भाई, वो तो आप अब एग्री कर लो अपने आप को कि आपको सितंबर इनटेक छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज़ अब कोई टाइम नहीं रहा, तो वो आप भूल जाओ कि इस सितंबर इनटेक में कुछ होने वाला है। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि यार मेरे कुछ जा रहा है, ठीक है, जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, एक महीने के अंदर कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब आप नेक्स्ट जो इनटेक है जैन इनटेक के लिए प्रिपरेशन कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वैसे अक्टूबर नवंबर भी होता है लेकिन वो इनटेक नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन करती हैं अपने वेबसाइट्स, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपनी लाइक एडमिशन ले सकते हो, बहुत रेयर होती हैं। तो जो जो मेन इनटेक माना जाता है वो आपको पता है कि जैन इनटेक होता है, सेप्टेम्बर इनटेक होता है, मे इनटेक होता है UK के लिए। ठीक है, उसके अलावा भी चलते रहते हैं। तो जो कास्ट लेटर है जिनका डिले हो रहा है, वो भाई आप वेट करो, बहुत जल्दी आ जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट जो मंथ है वो क्लासेस का होता है, तो उस टाइम क्लास स्टार्ट होने वाले होंगे, तो उससे पहले आपको वो फाइनल कर देंगे, 15-20 दिन पहले आ जाएगा हर किसी को। ठीक है, तो इसकी अब टेंशन छोड़ दो, जिसकी भी डिले हो रहा है वो जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है भाई, तीसरी चीज़ है कि जब आपका कास्ट लेटर आ जाएगा तो फिर आपने वीज़ा फाइल करनी है, जो आपको पहली चीज़ बता दिया कि सुपर प्रायोरिटी प्रायोरिटी दोनों ओपन है, तो आप वहाँ से उसका हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अगर आप नॉर्मल अप्लाई करना सकते हो तो नॉर्मल भी कर सकते हो करना चाहते हो तो, और नहीं तो सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तीसरी चीज़ होगी, जब आपका वीज़ा आ जाएगा तब आपको आना होगा UK। तो जब भाई आप UK आओगे तो बिल्कुल मत घबराना, ठीक है, कहीं पर भी ना, दिल्ली एयरपोर्ट पर, जिस मर्जी एयरपोर्ट से आ रहे हो वहाँ पे भी नहीं घबराना, और जब आप UK लैंड कर जाओगे यहाँ पे भी मत घबराना। ठीक है, पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि इमिग्रेशन इंटरव्यू ले लेती है यहाँ पे, भाई मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये जस्ट एक अपडेट दे रहा हूँ, जो भी आने वाला बच्चा है न्यू, वो थोड़ा सा बर्डन कम करे सिर का, यार कोई ऐसा चीज़ नहीं होता, आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए जब आप यहाँ पर लैंड करोगे UK में, तो जस्ट आपसे वो आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछते हैं, लाइक आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, आप यूनिवर्सिटी कैसे जाओगे, आपने जाकर कहाँ पे रहना है। ठीक है, अभी अच्छी बात यह है कि कोई कोविड वगैरह भी टेस्ट वगैरह नहीं करवाना है आप लोगों को, कोई पैसेंजर लोकेटर फॉर्म वगैरह नहीं भरना है, तो आप अपने सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके होंगे एकेडमिक्स के, और जो भी आपने फ़ीस वगैरह तारी होगी वो, और जो कास्ट लेटर आता है आपको वो, ये सब चीज़ें जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने साथ एक फ़ाइल में रखना, जब आप इमिग्रेशन के पास जाओगे विद इन 5 मिनट्स दे विल मेक यू फ्री। ठीक है, जस्ट गिनती से 4 या 5 चीज़ें पूछेंगे वो, और आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो बी कॉन्फिडेंटली, मतलब जो भी आंसर करना ना बहुत कॉन्फिडेंट के साथ करना, उन्हें अगर कोई डाउट होता है ना भाई तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं साइड पे आ जाओ। ठीक है, और साइड पे जाकर भी उन्होंने वही क्वेश्चंस पूछने हैं, आराम से रिलैक्स होकर पूछते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो घबराने वाली कोई चक्कर नहीं होती है। ठीक है, पहली बात तो कि ऐसा होता नहीं, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको आधा घंटा लेंगे आपकी इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो एक चीज़ ये अपने माइंड में रखना यार, घबराने का नहीं बिल्कुल भी, वहाँ पे
श्योर शॉर्ट आंसर, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन होंगे जो आपके यूनिवर्सिटी से ही रिगार्डिंग होंगे मेनली, ठीक है। कोर्स का आप नाम आपको याद होना चाहिए भाई, कोर्स के मॉड्यूल्स कितने हैं ये याद होना चाहिए, कितने साल का आपका कोर्स है। देखो ये सब क्वेश्चन कोई बताने वाले नहीं है यार, इट्स कॉमन सेंस, ठीक है मेरे भाई। तो ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जब आप आ रहे हो तो यहाँ पे आते समय आपको कितना पैसा आपके साथ लेकर आना, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो इसका जो मैं क्लियरेंस बताऊँगा ना, चाहे आप कपल में आ रहे हो, चाहे आप सिंगल आ रहे हो, या आप स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे आप सिंगल आ रहे हो, ठीक है, मिनिमम ना आप सिंगल आ रहे हो तो 1500 अपने पास पाउंड लेकर आना, कुछ अपने अकाउंट में, कुछ आपके पास कैश, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप स्पाउस आ रहे हो तो मिनिमम 2000 के नियर अबाउट रखना भाई, ठीक है। यहाँ पे जो मेजर आपका आएगा ना खर्चा आते ही, वो होता है रेंट का, और जब आप अच्छा घर लोगे तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट्स जमा करना पड़ता है जो कि काफ़ी हैवी होता है, ठीक है। तो वो उसके लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, यही तीन चार चीज़ें आज की वीडियो में बताना चाहता था मेरे भाई। और बहुत जल्दी, मतलब देखो यार, डिले होने का एक रीज़न है कि एक्चुअली मेरा ये लास्ट मंथ है फुल टाइम जॉब करने का, तो अभी मैं टोटली फोकस हूँ अपने जॉब पे, ठीक है, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं कर पा रहा। बट आई विल ट्राई टू डू एज सून एज पॉसिबल, कोशिश कर रहा हूँ मैं, मतलब जितनी मेरे से हो सकती है, ठीक है मेरे भाई। तो वीडियोज़ के लिए थोड़ा डिले हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट स्टिल अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो भाई चैनल को प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब, एंड लाइक शेयर अपनी मर्ज़ी से करना, भाई का चैनल है यार, जब मर्जी आओ देखो। अगर आपको अच्छा लगता है, चीज़ें आपको सब जेन्युइन है, यहाँ पे कोई फेंकने वाली चीज़ें नहीं बोलता मैं, ठीक है, जो है रियलिटी वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई। और बात करेंगे PSW की नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं, कुछ अफवाहें चल रही हैं तो स्टिल मैं एक बार चेक करके फिर आपको एक वीडियो दे दूँगा। सो मिलते हैं आपको भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। एक बार ये भाई ऐसी चलती हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, और ये है कुछ लोकेशन इस तरह के घर, बहुत अच्छा कॉलोनी है यार ये, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।